नमस्कार। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अनुसूत्र का निर्माण रिवीजन में, और पिछली क्लास में भी एक अनुसूत्र आपको बना करके दिखाया था। आगे और हम अभी अनुसूत्र को आगे बढ़ाएंगे और कुछ उदाहरण और लेते हैं। तो पिछली क्लास में लिया था जिंक सल्फाइड का उदाहरण लिया था, और अभी मैं उदाहरण लेता हूं। एक सिंपल उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का। अगला उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl। मैंने सूत्र तो पहले ही बोल दिया, लेकिन इसको बनाना है हमें, तो बनाएंगे कैसे देखिए। सोडियम आयन होता है Na+1। तो प्लस हमने लिखा, और इसका मीनिंग हम क्या समझते हैं, प्लस वन ही समझा जाता है। और क्लोराइड होता है Cl-1। तो ये प्लस वन और यहां पर माइनस वन ही हो गया, माइनस वन और प्लस वन। अब क्या करना है कि यहां जो संख्याएं लिखी हुई हैं उन संख्याओं को इनके नीचे एक दूसरे के नीचे लेके जाना है। तो अगला स्टेप हमने यूज किया Na1 और Cl1। अब ऐसा करते ही ये जो आवेश है वो आवेश ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अब एक और एक दोनों कॉमन संख्या है, इसलिए दोनों संख्याओं को हम कैंसिल कर लेंगे और सूत्र क्या बन जाएगा, NaCl। ये साधारण नमक जो हम खाने में काम में लेते हैं उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। चलो अगला उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का आयन है, सूत्र क्या होगा, Al+3, Al+3 और ऑक्साइड O-2। ये आपको याद करने होंगे, पिछली क्लास में भी आपको बताया था, हमारी बुक में दिए हुए हैं, वहां से हम इनको याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम प्लस थ्री, ऑक्सीजन -2। अब क्या करना है, वही इस 2 को तो किसके नीचे लेके आना है, एल्यूमिनियम के नीचे, और 3 को लेके जाना है ऑक्सीजन के नीचे। ये यहां एल्यूमिनियम चला जाएगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा। अब क्या है, इसको लिखेंगे हम तो एल्यूमिनियम 2O3। अब चार्ज ऑटोमेटिकली ही बैलेंस्ड हो चुका है। चेक करते हैं हम चार्ज बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना था, प्लस थ्री, और यहां पर एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2 × +6, ठीक है। ऑक्सीजन पर था -2, तो -2 × ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 = −6। दोनों आपस में कैंसिल, संतुलित हो चुका है, +6 और -6 दोनों इस तरह से आ चुका है आवेश। यहां पर +6 आवेश हो चुका है, यहां पर -6 आवेश हो चुका है, +6 − 6। तो ये संतुलित सूत्र क्या बन गया, Al2O3। ये अनुसूत्र का निर्माण हो चुका है। कर ले आप, बहुत ही आसान। अगला देखो फेरिक सल्फेट नंबर 3। फेरिक सल्फेट कोई हमें इसका क्या है, आयन का सूत्र आना चाहिए, फेरिक क्या होगा, Fe+3 और सल्फेट SO4−2। देखो फेरिक और फेरस दो आयन बनते हैं आयरन के, आयरन दो आयन बनेंगे इसके, एक तो बनेगा फेरस और एक बनेगा फेरिक। देखो एक और अस, ये हमें ध्यान रखना होता है, यदि हमने आयन में एक लगाया हुआ है तो
तो वो उच्च सहजकता वाला होगा, उच्च आवेश होगा। और अगर हमने अस लगाया हुआ है यूएस, अस और एक, ये तो फेरिक बना और ये फेरस बना, तो इसमें तो अस आया, इसमें एक आया। तो एक तो बनेगा, अस वाला तो बनता है एफ ई प्लस टू और एक वाला बनता है एफ ई प्लस थ्री। तो ये हो गया फेरिस, फेरिक और फेरस। अब हमने यहां पर फेरिक लिख लिया एफ ई प्लस थ्री और सल्फेट एसओ फोर माइनस टू। अब तो आसान है, क्या क्या करना है बताइए। हाँ, इधर वाले को इसके नीचे और इधर वाले को इसके नीचे लेके जाना है। देखिए F2 को मैं यहां लाया तो ये हो गया Fe2 और 3 को उधर लेके गया तो SO4 3। अब देखो ये संख्या हमें ऐसा लग रहा है कि ये 43 हो गया क्या, 43 हो गया क्या। तो इस तरह की मिस्टेक से और इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां एक ब्रैकेट लगा देते हैं। जब डबल संख्याएं आ रही हो, पहले संख्या को यहां पर अंक लिखा हो और दूसरा अंक भी आ रहा हो, तो उस पूरे का हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे इस और इसके बाहर लिख देंगे इस संख्या को जो थी उसको। इसका मतलब ये जो थ्री है, इस थ्री को इस ऑक्सीजन से भी और इस सल्फर से भी, दोनों से ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, Fe2 SO4 होल थ्राइस, ये बन गया फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट उदाहरण है बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम बी ए प्लस टू और क्लोराइड सी एल माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे बी ए प्लस टू और सी एल माइनस वन। अब इसको करना आसान, इतना हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए कि कहां से पता होगा, जब हम इन सूत्रों को याद करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आप एक बार और अगर कुछ भूल गए उनको आज और याद कर ले, जिससे आपको अनुसूत्र निर्माण पूरी तरह से आ जाएगा आपके, ठीक है। दो मार्क्स आप यहां से फिक्स कर लोगे अपने। देखिए तो ये यहां से इस वन को इधर लेके आना है और टू को इधर लेके जाना है, तो बी ए सी एल टू। मैंने वन यहां नहीं लिखा क्योंकि हम वन को नहीं लिखते, क्योंकि हम यहां संख्या वन मानी, ये बी अकेला ही तो है इसलिए वन हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बन गया बेरियम क्लोराइड। और देखो और करा देता हूं मैं एक एग्जांपल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ एक और उदाहरण लिख देता हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो उदाहरण लिखे मैंने। अब दोनों को बना के देखते हैं, पहले फिफ्थ को सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपने कर लिया होगा इतनी देर में फिफ्थ, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, कुछ बच गया होगा वो, आप कुछ बच्चों का बच गया होगा वो, इसमें देख लेंगे अपना मैच कर लेंगे। देखो मैग्नीशियम Mg प्लस टू, ठीक है, और कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 माइनस टू प्लस और CO3 टू माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है और इसको इधर लेके जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया
Mg2CO3 हॉल्ट वाई, और 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बन गया सूत्र, MgCO3। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नंबर 6। अच्छा अच्छा कर लो, आप कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉर्मूला बताइए, हाँ Ca+2 और हाइड्रोक्साइड OH-। अब आसान है, यहां वन लिख लेता हूं मैं, कैल्शियम 1 OH-2। अब ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ H लगाया है क्या, OH2 में देखने में ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ H के लिए ही 2 लगाया, कि हम क्या लगा देंगे फिर इसको ब्रैकेट, क्या बन जाएगा CaOH all twice। इस तरह से आप अनुसूत्र का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का जो अनुसूत्र हमें लिखना है तो उसको आप कर सकते हैं, आपको नाम मिलेगा और उनकी आप ये जो आवेश है इसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है, इसको पता होना, और उसके बाद आप उसका सूत्र इस तरह से बना सकते हैं। हो गया, अगला अपना बिंदु है इंपॉर्टेंट बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान, सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक क्या है, कि कोई भी जो क्रिया है उस क्रिया में जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उनको, और जो क्रियाफल बन रहे हैं, जो उत्पाद बन रहे हैं उनको रासायनिक रूप में एक समीकरण के रूप में लिखना। जैसे मैंने यहां लिया, जैसे मैंने लिखी हाइड्रोजन, और यह क्रिया कर रही है ऑक्सीजन से, और क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। तो ये तो इस तरह से हमने इनके नाम लिख करके यहां पर जल लिखा। अब इसी को हम रासायनिक रूप में लिखें, जैसे या मैं जगह लिख दूं, मान लो प्राणवायु लिखूं, हम प्राणवायु ऑक्सीजन को ही कहा जाता है, या फिर वायु लिख दूं सिर्फ, क्योंकि वायु में से ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन कहां है, ये भी वायुमंडल में उपस्थित है, ये दोनों क्रिया करें और क्रिया करें जल बनाए। तो हम इसको रासायनिक रूप में लिखें, जैसे हाइड्रोजन को लिखा मैंने टू, ऑक्सीजन को लिखा मैंने O2, और जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित किया है, तो ये हमने एक रासायनिक समीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया। अब इसका संतुलन का मतलब क्या होता है, देखिए संतुलन का मतलब, जैसे मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखी H2O2 और H2O, तो रासायनिक समीक्रिया अभिक्रिया में जो बाईं तरफ जो लिखे हैं ये कहलाते हैं क्रियाकारक, और ये जिनको इधर लिखा गया है दाईं तरफ वो कहलाते हैं क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाकारक, क्रियाफल या फिर उत्पाद, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में रिएक्टेंट, और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और ये हम बराबर के चिन्ह से बोलते हैं, इज इक्वल टू इट, इज गिव्स भी बोलते हैं इसको, गिव्स का मतलब ये क्रिया करेंगे
और क्या देते हैं, इधर वाला क्रिया करके ये उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एंड गिव्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एंड गिव्स प्रोडक्ट वॉटर। तो इस तरह से आप जो एरो बनाया है, हम इसको हिंदी में बोले तो बराबर ही बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल दे रहे हैं, या H2+O2 इज इक्वल टू H2O+O2, मतलब H2+O2 बराबर H2O, इस तरह देख सकते हैं। और यहां पर क्या है कि जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनको भी लिख दिया जाता है, मान लो दाब कितना चाहिए, ताप कितना चाहिए, या कोई उत्प्रेरक की भी आवश्यकता है, उसको यहां प्रदर्शित कर दिया जाता है इस तीर के निशान के ऊपर। तो ये रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें देखो संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन का मतलब है कि जो क्रियाकारक है, इस क्रियाकारक की मात्रा, अब मात्रा किस रूप में वो भी हम देखेंगे, वो और इस क्रियाफल की मात्रा, क्रियाफल की मात्रा कैसी हो, बराबर जितने क्रियाकारकों ने क्रिया की वो, और इस जो क्रियाफल बना, जो उत्पाद जो बने, उनकी मात्रा कैसी हो, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम काम में लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि क्रियाकारकों का द्रव्यमान, समस्त क्रियाकारकों के द्रव्यमानों का योग क्रियाफलों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इसका कंप्लीट जो द्रव्यमान है, इनके सबका योग, जितने भी क्रियाकारक हैं सबके द्रव्यमानों का योग बराबर होना चाहिए इन प्रोडक्ट के द्रव्यमानों के योग के। इसका मतलब यहां मैंने दो हाइड्रोजन ली हैं और दो ही ऑक्सीजन ली हैं, तो इधर भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो इसके बराबर रहेगी, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो भी इसके बराबर रहेगी। अब हम इसको मात्रा को बराबर कैसे कर सकते हैं, देखो यहां मैंने H2O लिखा हुआ है, इधर हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन दो, इधर हाइड्रोजन तो दो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो हम यहां इसको इस तरह से इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही ये उत्पाद बदल गया, उत्पाद दूसरा हो गया। अब जो प्रोडक्ट जो था, जो हमारा जो अणु है वो अणु बदल चुका है, क्योंकि हमने अणु सूत्र चेंज कर दिया, तो हम इस तरह के चेंजेस नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल पक्का कर ले। एक इस तरह से कोई उत्पाद है एडी, तो हम ना तो हम यहां पर कोई भी संख्या लगा सकते हैं ना यहां कोई संख्या लगा सकते हैं, ऐसा करते ही उत्पाद बदल जाएगा, हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं किसी भी संख्या से। ठीक है, हम किसी भी संख्या से इसको इधर मल्टीप्लाई करके बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, कई बार ऐसा आता है जैसे N2O रिएक्शन हो रही है, मान लो N2+O2 इज इक्वल टू डिफरेंट कंडीशंस, और यहां पर हो गया N2O। अब हम इसको संतुलित करने के लिए कई बार यहां सीधा 2 लगा दे तो ये गलत हो जाएगा, फिर वो हमारा उत्पाद है जो अणु है वो बदल चुका है। तो उससे बचने के लिए हम कैसे संतुलित करते हैं, मैं सबसे पहले इसी अभिक्रिया का उदाहरण ले रहा हूं, H2O2 और H2O का। H2+O2 इज इक्वल टू H2O। संतुलित करने के लिए एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल विधि, उसको हम काम में लेते हैं, उसी के द्वारा अभिक्रिया को संतुलित हम करेंगे। सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो हिट एंड ट्रायल सिद्धांत, लेकिन यहां उसका उपयोग ना, उसके स्टेप्स को ना लिख करके, हम स्टेप्स लिखेंगे नहीं, कि हमें समझना है, हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में चीज को हमें समझना है और जल्दी से जल्दी उसको हमें उत्तर प्राप्त करना तरीके से। देखो हाइड्रोजन हम संतुलित करने के लिए आप दो तरीके आप अपना सकते हैं। पहला सिंपल तरीका संख्या, आप जो आपको परमाणु है वहां पर उसकी संख्या देख लें, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है या ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु में 2 परमाणु, ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु। ठीक है, अब इस यौगिक में जो प्रोडक्ट है, इस यौगिक में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है 1। अब इसको चेक करते हैं, ये तो हिट हो गया, अब इसको ट्रायल चेक करेंगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है बराबर दोनों तरफ, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर एक ही है। अब हमें इसको 2 करना है, 2 करने के लिए यहां हम किसी संख्या का उपयोग कर नहीं सकते, हम आगे संख्या लगा सकते हैं, और आगे जैसे संख्या कोई भी लगाऊंगा उस संख्या से इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने 2 लगाया,
दो लगाते ही अब हाइड्रोजन कितने हो गए, टू टू जा फोर, इसको भी टू से मल्टीप्लाई हो गया इसका मतलब चार हो गए, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई हो गया इसका मतलब दो हो गए। ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार। अब फिर उसको हम ट्रायल करेंगे, हमने हिट किया, आप इसको दोबारा से चेक करके देखेंगे कि टू टू ऑक्सीजन मैच हो रहा है, सही हो गया ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन सही था अब ऑक्सीजन सही हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन चार इधर दो, ओहो इधर दो कम रह गया। अब क्या करें, चार दो को ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें चार मिल जाए, तो किससे कर दें, हम दो से गुना कर दें, तो यहां जैसे ही मैं दो रखूंगा तो दो से गुना हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा चार। फिर इसको हम चेक करेंगे, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार ओके, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो ओके, अपनी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो मैं एक उदाहरण, और उस उदाहरण को लिखने के बाद आपको थोड़ा समय भी दूंगा जिसमें आप उस अभिक्रिया को सरल संतुलित करेंगे। देखिए एच टू प्लस आई टू इज इक्वल टू एच आई, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया, इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है, संतुलित करें, ठीक है। और इस अभिक्रिया को आप संतुलित करिए, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करने के लिए दिया था जो आपने कर ली होगी, कर लिया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया और कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो देखो टाइम पूरा हो गया, टाइम का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में हमारे पास सीमित समय रहेगा, वहां जैसे ही घंटी लगेगी, घंटी लगते ही आपसे कॉपी छीन ली जाएगी, अगर आप नहीं दे रहे तो छीन ली जाएगी आपसे, तो आप समय का भी ध्यान रखें। तो हाइड्रोजन और आयोडीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण, अब हमें करना है इसको, इसका संतुलन करना है। संतुलन का मतलब आप समझ ही गए कि दूसरा हम इसको बाहर से द्रव्यमान निकाल के हैं, उसके भी उससे भी कर सकते हैं, उसमें इसका द्रव्यमान निकालो, इसका निकालो, दोनों का योग करो और इसका निकाल के देखो, इस तरह से उसमें किया जाता है। देखिए यहां पर आसान तरीका यही है, हाइड्रोजन
आयोडीन, इधर 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 देख, हाइड्रोजन की संख्या वन टू कहां है, वन है, हाइड्रोजन की संख्या एक, आयोडीन की संख्या भी यहां पर एक, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, दो दो और इसको तो पूरा ही बदलना। अब इधर इनको तो है ही, ठीक है, अब इस एक को दो करने के लिए सिर्फ दो से गुना, ठीक है, तो दो से गुना करने के लिए यहां पर मैं दो लिखूं, लिखते ही दो से इस हाइड्रोजन को भी गुना हो गया और इस आयोडीन को भी गुना हो गया, दोनों को इस तरह से संख्या रखी जाती है वो, तो हाइड्रोजन इंटू टू इज इक्वल टू टू, आयोडीन इंटू टू इज इक्वल टू टू, दो दो दो, ये तो एक संख्या संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप आसान समीकरण था। अगला उदाहरण देख, इसमें उदाहरणों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जितने ज्यादा उदाहरण आप करेंगे आप अपनी किताब से करें, किताब में दिए हुए खूब सारे, और किसी अन्य पाठों से भी करें, आप अपने बड़े भाई की किताब से, टेंथ की किताब से भी कर सकते हैं, आप से भी कर सकते हैं कोई केमिस्ट्री किताब है तो। एन टू प्लस थ्री एच टू इज इक्वल टू टू एन, संतुलित लिख दिया मैंने इसको, इस अभिक्रिया को संतुलित भी लिख दिया था, ठीक है, इसलिए इस उदाहरण को अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और या मैंने इसके दो मॉलिक्यूल ले ले रखे, कैल्शियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। अब इसको संतुलित आप करें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ब्रेक कर दिया इसको मैंने, तोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, करें इसको हल। हो गया, देखिए इसको पूरा, इधर मल्टीप्लीकेशन है, गुना है, कैल्शियम दो कार्बन दो और ऑक्सीजन, देखो यहां ऑक्सीजन के नीचे तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन एक, इसके जो एक अणु है उस एक अणु में ऑक्सीजन के तीन परमाणु हैं और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के अणु है टू, दो लगा हुआ है, तो इस तीन ऑक्सीजन को आपको इस टू से गुना करना पड़ेगा, तो तीन दूनी छह। इधर चेक करते हैं, कैल्शियम है हमारे पास एक, ऑक्सीजन है एक और दो तीन, अलग अलग लिखेंगे पहले, अब यहां लिखेंगे हम ऑक्सीजन हमारे पास है तीन, एक प्लस दो बराबर तीन। अब देखो पहले कैल्शियम को कर लें, इसमें आप ध्यान रखें पहले हम धातु को संतुलित कर लेते हैं, धातु को करने के बाद फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन या अन्य तत्व लगा हुआ है उसको संतुलित करते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है संतुलित करना। तो यहां धातु को मैंने संतुलित किया, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई, दो 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 और ये हो गया अब चार। देखो कैल्शियम दो हो गए, ठीक है, संतुलित हो गया, ऑक्सीजन चार हो गए, अब देखते हैं कार्बन को, फिर ऑक्सीजन को देख लेंगे। कार्बन को मैंने देखा तो कार्बन इधर टू है, इधर कार्बन वन है, तो ये थोड़ा इजी लग रहा था इसलिए मैंने इसको देखा, यहां पर जैसे ही मैं टू लगाऊंगा, टू लगाते ही इसको टू से मल्टीप्लाई और इसको टू से मल्टीप्लाई, कार्बन टू हो गया और ऑक्सीजन फोर हो गया। अब ऑक्सीजन को यहां पर चेंज कर लेंगे, तो टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स। अब फिर चेक करेंगे इसको, तो दो कैल्शियम दो, ठीक है, कैल्शियम दो, कार्बन दो, ऑक्सीजन छह, ऑक्सीजन छह, हो गया इजी लगा मुझे, फटाफट हो गया। तो इस तरह से आप संतुलित कर सकते हैं। और देखो BaCl2 प्लस AgNO3,
Cl2 plus Ag and O3 is equal to CCl plus Ba NO3. इसका मतलब होता है इस तरह जो लिखे जाते हैं उसमें जहां जहां ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन करना होता है हमें. इस टू को टू का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है. चलिए करिए, थोड़ा टाइम देता हूं आपको. हो गया. चलिए अब चेक करते हैं. बेरियम 1 क्लोरीन 2 Ag 1 और पूरा NO3 ले ले, पूरा NO3 ले लेते हैं एक साथ ही. NO3 पूरा एक साथ है उधर, इसलिए मैंने पूरा ले लिया 1. इस तरह भी कर सकते हैं, उधर भी NO3 है इधर भी NO3 है, इसलिए हमने पूरी यूनिट एक साथ. और आप अलग-अलग लेके भी कर सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग. देखो बेरियम 1 क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 1 Ag1 Ag1 ठीक है, उधर बेरियम, बेरियम में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा और Ag में कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते. चेंज दिख रहा है क्लोरीन में, इधर क्लोरीन 2 है इधर क्लोरीन 1 है. 1 Cl बेरियम 1 और NO3 2. Cl में चेंज है और NO3 में चेंज है, तो इन दोनों को संतुलित करना है पहले हमें, क्योंकि बाकी इनमें कोई चेंज है नहीं, इसलिए हम इनकी कोई संख्या पुट नहीं कर सकते. देखो क्लोरीन इधर 1 2 है, इधर 1 है, 2 करने के लिए मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई हुआ और इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो हो गया 2 और ये भी हो गया 2. बेरियम 2 और क्लोरीन भी 2, दोनों बराबर हो गए. अब इधर फिर हमें बेरियम को चेंज करना पड़ेगा. जैसे मैं इधर बेरियम को चेंज करूंगा, चेंज करते ही उधर वहां पर जो जाएंगे तो यहां क्लोरीन बदल जाएगा. ठीक है, इसलिए अब हमें अगला स्टेप दूसरा पर एक बार और यहां पर संख्या हमें बदलनी पड़ेगी. तो ये देखिए 1 है ठीक है, देखो NO3 1 3 2, यहां आया तो Ag हो गया 2 और NO3 भी हो गया Ag2 और NO3 2. इधर देखो Ag2 Cl2, Ag2 Cl2, बेरियम 1 बेरियम 1. अब क्या लग रहा है आपको, देखा है या नहीं? अब इसको चेक करो, बेरियम 1 एक साइड, बेरियम 1 बेरियम 1 ठीक है, Cl2 Cl2, Ag 2 Ag 2, NO3 2 NO3 हो गया. ठीक है, और देखो एक और, N2 plus H2 बराबर NH3. इसको देखें, इसको संतुलित करें एक बार. देखो नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन 1 है. अब हम बिना लिखे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं. नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3. अब दो साइड में से देखो, मान इधर संख्या 1 2 है और इधर कोई संख्या 3 है,
संख्या को मैं संतुलित करना है, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इस संख्या को 3 से गुणा कर दो और इस संख्या को 2 से गुणा कर दो, बराबर। देखो इधर 6 हो गया और इधर भी 6 हो गया। तो एक तो इस तरह की डिजिट हमें लगानी है कि एक साइड कहीं 3 लगाना पड़ेगा और उसी तत्व को संतुलित करने के लिए उस साइड 2 लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर मैं 3 लगाता हूं और यहां पर 2 लगाता हूं। तो देखो अब चेक करो, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6, 6 कैसे, ये इधर इसको हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई है और इस 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, तो नाइट्रोजन हो गई 6, बन गया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो लिखते हैं तो कई बार क्या है कि वो संतुलित समीकरण ही लिखी जाती है, तो पहली बार जब लिखा था तो यही निकल गया था सीधा। तो ऐसे क्या करना है, आप इस तरह से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का पार्ट। अब हम थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट लेते हैं, अपनी जो बुक है उसमें से देखते हैं। आप देखिए पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 चाल का उदाहरण है, उदाहरण 9.1। अब हम फिजिक्स के पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ले रहे हैं चाल में से, चाल एवं गति। अब इसमें से पहला हम ले रहे हैं उदाहरण 9.1, पेज नंबर 105 पर, ठीक है, वही न्यूमेरिकल्स है, आंकिक प्रश्न जिनको हम कहते हैं वो है, ठीक है। वो तो उदाहरण है, एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो छात्र के वाहन की औसत चाल क्या है। एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, दूरी है 100 किलोमीटर, समय है 2 घंटे में तय कर रहा है, तो छात्र के वाहन की औसत, जो वाहन है उस वाहन की औसत चाल ज्ञात, औसत चाल निकालनी है हमें, ठीक है। तो औसत चाल के लिए हमें सूत्र आना चाहिए पहले, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और समय है 2 घंटे, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो जब 100 में 2 देंगे तो कितना आएगा 50, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर। अगर इसी प्रश्न को मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर पूछ लिया जाए, ये तो सिंपल प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, प्रश्न आ गया कि वाहन की औसत चाल यहां पर दे दिया कि मीटर प्रति सेकंड में लिखा हुआ, तो हमने जो यूनिट प्रश्न दी हुई थी उन्हीं से इसको सॉल्व कर दिया, और वहां परीक्षा में आपको करना जो दे रखा है उसे सॉल्व कर दें आप। अब इसको अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में करूं तो 100 × इसको मीटर में बदला मैंने, तो ये हो गया 1000, ये हो गया मीटर, ठीक है, बटे 2 गुना 60 इंटू मीटर प्रति सेकंड में। देखो एक घंटा है, 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 60 × 60, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, जो भी आंसर वही 5 मिनट 18 जो आप करते आए हो वही आएगा। देखो 10 10 10 10, तो ये ऊपर हो गया 1000/36 और 36 × 72, ऐसे करें तो ऐसे कर ले आप, और अगर 6 6 से करें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसमें हम भाग दे लेंगे और भाग दे करके इसको आगे भी अगर सरल करना चाहे तो कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हो आप, सीधा इसको काट, ये हो गया 50, ठीक है, और इसको 500/36, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा ये, इसलिए मैंने इसको यही छोड़ दिया है, ये मीटर प्रति सेकंड हो चुका। तो इस तरह से आप किलोमीटर प्रति आवर भी निकाल सकते और मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल सकते, जो जैसा प्रश्न में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है तो उन्हीं यूनिटों से निकाल दें, जो प्रश्न में यूनिट दी हुई है उन्हीं से हम सरल कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स का आपने एक प्रश्न करने की किया है आज, और अब अगली क्लास में हम फिजिक्स का जो भी प्रश्न है, मुख्य मुख्य जो आंकड़े प्रश्न है, वो मैं आपको करवा दूंगा। नमस्कार।